जिस तरह से देखिए एआरटीओ साहब की अध्यक्षता में आज ये प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जो किया गया है, इसमें मुख्य रूप से जो पायलट प्रोजेक्ट जिसे परिवहन विभाग और डीलर्स के बीच में जो वो होता है, पंजीयन तो पूर्व में ही किया जाता था, लेकिन जो डीलर पॉइंट्स पे नंबर अलॉट होना ये एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा मेन हिस्सा था। और उस पर जिस तरह से आधार कार्ड लिंक करने की बात ऊपर से NIC द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को जो समस्या आ रही है वो कहीं ना कहीं एक साइबर क्राइम से रिलेटेड है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और समय समय पर पुलिस विभाग व अन्य विभागों द्वारा भी और बैंक से संबंधित सूचनाएं व मैसेज के द्वारा हम लोगों को ये बताया जाता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को OTP ना दिया जाए, लेकिन मुख्य जो पंजीयन के संबंध में है वो OTP के बगैर आधार कार्ड से पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जो ग्राहक है या जो वाहन स्वामी है वो OTP देने में कतराता है, क्योंकि अनजान व्यक्ति जब उसको फ़ोन करके OTP मांगता है या रजिस्ट्रेशन करते समय मांगता है तो उस चीज़ को वो मना करता है सीधे सीधे कि हम किसी भी तरह से आपको OTP बताने में सक्षम नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये लोग ये चाहते हैं कि आधार कार्ड को लिंक तो किया जाए लेकिन उससे OTP जैसी समस्या को हटाया जाए। दूसरा यह है कि एक समस्या यह है कि इसमें 3 फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाता है, जिसमें चेचिस नंबर है, बैक फ़ोटो है गाड़ी का और फ्रंट फ़ोटो है। तो चेचिस नंबर फ़ोटो तो जायज़ है, लेकिन बैक और फ्रंट फ़ोटो जो व्हीकल का है वो अनावश्यक है। अनावश्यक इसलिए है कि मैन्युफैक्चरर द्वारा ऑलरेडी जो पोर्टल पे अपलोड किया जाता है डॉक्यूमेंट संबंधित वाहन से संबंधित, उसमें कलर गाड़ी का कौन सा सिलेंडर लगा है, कितने सीसी का इंजन है, उससे संबंधित समस्त जानकारी उसमें ऑलरेडी रहती है। सिर्फ पंजीयन के समय संबंधित अधिकारियों को ये वेरीफाई करना होता है कि जो हम वाहन रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसका चेचिस नंबर सही है या वही वाहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड वो चेचिस नंबर का डिजिटल फ़ोटो तो ले सकते हैं, उसमें हम लोग दे सकते हैं, लेकिन 2 अनावश्यक प्रपत्र की वजह से जिसमें समय जो है बहुत ज़्यादा खाता है, जो गाड़ी में 5 से 10 मिनट रजिस्टर करने समय लगता था, आज वो 35 मिनट एक फाइल में पंजीयन करते समय लगता है, जिससे समय की लोता है और राजस्व की हान होती है और हम लोगों को गाड़ी डिलीवर करते समय ये समस्या आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस समय पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इसमें एक मुख्य समस्या ये है कि वाहन की जो साइड है वो स्लो है, इसके लिए हम लोग आग्रह करते हैं, RTO साहब से कर चुके हैं कि साइड को थोड़ा अपडेट करें जिससे फास्ट काम हो और समय अनुसार पंजीयन किया जा सके, क्योंकि इसमें समय बाध्यता भी है कि इतने दिन के अंदर ही उसका पंजीयन हो जाना चाहिए, इसके बाद विलम्ब शुल्क लगता है जिसमें वाहन स्वामी या डीलर को उसका भुगतान करना पड़ता है। ऐसी समस्याओं को लेकर हम लोग लगातार RTO साहब के संपर्क में रहते हैं और उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। अभी हम लोग ऑनलाइन जो अधिकारी हैं उनसे अपनी समस्याएं रखेंगे।